नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। धौलपुर जिले के आबकारी संघ के ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्रीय ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन तोमर और जिला आबकारी अधिकारी अमरजीत सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि कोरोना महामारी से आई आर्थिक मंदी व गलत आबकारी नीति की वजह से शराब ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब और दयनीय हो चुकी है। अधिकांश सभी ठेकेदार बर्बादी के कंगार पर है। सभी की दुकान और गोदाम माल से भरे पड़े हैं। सरकार द्वारा नीलामी कर दुकानों तो दे दी गई है, परंतु कोरोना के कारण बाजार में आर्थिक मंदी का असर शराब की बिक्री पर पड़ा है। शराब बिक्री नहीं आने और तरह तरह के नए प्रयोग विभाग द्वारा करने के कारण ठेकेदार दुकानें चलाने में असमर्थ हैं। ज्ञापन में कहा गया कि शराब ठेकों में गारंटी की बाध्यता समाप्त की जाए। नई आबकारी नीति में नीलामी से दुकानों का आवंटन होने के कारण कंपोजिटी फीस वसूलने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए इसे हटाया जाए। जो भी अनुज्ञाधारी अपनी गारंटी पूरी नहीं कर पाता, उसे सिर्फ आबकारी शुल्क लिया जाए, उस पर लगने वाला BLF समाप्त किया जाए। अंग्रेजी शराब में जो 20% मार्जिन का विभाग ने कंपेनमेंट किया था, उसके विरुद्ध वह मार्जिन 10-12% ही आ रहा है, जिसे 20% किया जाए। अप्रैल मई जून में जिन अनुज्ञाधारियों द्वारा गारंटी पूर्ति की गई थी, उनको भी छूट का लाभ लेकर उनकी बढ़ी हुई गारंटी दूसरे क्वार्टर में समायोजित की जाए। ठेकेदारों ने जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। ये हमारा ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है, कलेक्टर साहब के माध्यम से। हमारे जो आबकारी विभाग के जो ठेकेदार बंधु हैं, उनको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि कई लोगों ने तो अपने घर घूरे सब बेच दिए, फिर भी इस गारंटी की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल ही दोहरी नीति है, कहते कुछ है करते कुछ है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी हमारी लाइसेंस गारंटी टूटती है, उस पर जो बेसिक लाइसेंस फीस ली जा रही है हमसे, एक तो उसको माफ़ किया जाए, दूसरा पहले क्वार्टर के अंदर जिन ठेकेदारों ने अतिरिक्त माल उठाया है उनका समायोजन भी द्वितीय त्रैमास में उसका भरा देने की ये कोशिश करें।